भगवान, ये देखियो भाई साहब, सीधा सीधा 180 रुपये का बोहनी हुआ भाई। देखो आज 500 का नोट ज़्यादा मिला, धंधा अच्छा था, फिर 100 का, फिर 50 का, 500, 5000, 15, 20, 25, 30, 31, 32। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 9:30, तो चलो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं भाई, काफ़ी लेट हो रहा है। तो भाई साहब फाइनली पहुँच चुके हैं अपन मंडी, और अभी जो है 10 बज रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? ढोड़का होगी, करेला होगी, टमाटर हो, क्या रेट ढोड़का करेला? टमाटर, टमाटर 600, ढोड़का 20। देखिए बोली हो रहा है टमाटर का 410, 420। धनिया मिर्ची ले जाऊंगा सोचा था, लेकिन धनिया मिर्ची खत्म हो गया है, अब सब्जी ही ले जाना पड़ेगा। कुछ कुछ सब्जी खरीद लेता हूँ, गांठ आलू के लिए गणपत भाई गया है लेने, एक बोरा बोल दिया हूँ, टमाटर खरीद लेता हूँ 1-8 गेट, और सब्जी 1-8 बस। क्या रेट है भाई? 4.5 मध्य हम इतनी बची है भाई। 250 लगा देगा, 250 लाल भाजी का लगा लो भैया, 250 रुपये यार बस। 23 रुपये कुछ कम, कुछ काम के बोल रहा था, 15 का लगा, ज्यादा क्यों तो कितना का ही, 15 का लगान भैया, 20 तो हम ही बेचते हैं यार। क्या रेट मूली जी? मूली कम के एक नंबर मूली है, देख ले अभी आया देखा ना आपसे, लेकिन शुरू वाले मोर ग्राहक मन चल दिए तो अभी कम लगान यार, 25 का लगा भाई, 28 बीचते दिन मूली ला, अरे यार 15 का लगा ले, 15 वाले वो हरे भाई, 28 रुपए बोल रहे भाई सब, जो कि हम ले नहीं पाएंगे इसको इतना महंगा। टमाटर हो गया, आलू हो गया, और मुनगा बस और ले लेते हैं भाई, फिर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि सब्जी तो कुछ मिला नहीं, लेट आया ना काफ़ी में। तो भाई साहब 17 किलो करेली ले लिया, देखो 32 रुपये किलो मिल गया, जो कि थोड़ा सा सूख सूख गया है, अब कुछ सामान नहीं मिल रहा है तो क्या करें, इसी को ले लेते हैं। चलो मैं रख क्या रहा हूँ भाई इसको, मुर्गा भी हो गया अपना, मुर्गा टमाटर करेला आलू बस इतना ही आइटम आज के लिए काफ़ी है। तो गाइस यार देखो आगे मैं देख रहा हूँ तो जानवर खा गया यार मेरे टमाटर को, 2 किलो टमाटर को नुकसान कर दिया भाई, गैया जो है खा के चला गया, किसी थका नहीं था ना मैं, और किसी का सामान नहीं है, सिर्फ मेरे ही बस फसल था, इसलिए गैया जो है सबका चट कर दिया। ये देखो इसमें जो है अच्छा भर चुका है, और ये वाले में कुछ काम है भाई, भाई साहब। तो भाई साहब फाइनली मार्केट से पहुँच चुके घर, और अपना सामान जो सब्जी लाए थे उसको भी उतार लिए। वैसे तो मैं लेने के लिए गया था भाई धनिया मिर्ची अदरक, लेकिन बिक गया था ना, उस वजह सब्जी लेके आना पड़ा। नहाते वहाते हैं, फिर रेस्ट करेंगे, फिर बात करते हैं भाई। तो गाइस गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं 3:00 बजने वाले हैं, और बाबू का हाल चाल तबीयत के? ठीक है, हल्का है, बढ़िया लगत पहली से, हल्का का खाता सब? अनार, अनार, अनार खा रहे हो? आज बारिश होगा क्या? शाम को बारिश, छाता ले जाऊं कि नहीं? ले जाना, ले जाऊं? तो भाई साहब छाता निकलो भैया, छाता पकड़ रहा हूं, और आज सामान जो है बहुत कम कम लेके आया हूं, टोटल मिला के लेके आया हूं 3200 रुपये का, और 100 रुपये का तेल, मतलब कि 3300 रुपये का सामान है आज। तो चलो गाड़ी पे पैक कर रहे थे सामान को। तो गाइस यार फाइनली देख सकते हैं गाड़ी को, सामान तो मैंने लोड कर लिया है, आज अकेले ही कर लिया, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ा, हो गया। तो 2 कैरेट टमाटर, मुर्गा, करेला, आलू बस इतना ही आइटम है। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं लगभग, आधा घंटा लगा मेरे को ये सब करने में, और चलते फिर मार्केट भाई लोग, चलो।
गाइस अब फाइनली पहुंच चुके हैं अपन धनधन का मार्केट। और देखो मौसम फिर से सैटरडे की तरह ना बारिश हो जाएगा ऐसा लग रहा है। ये देख सकते हो क्या लगता है भैया, अमन भैया क्या लगता है? बहुत अमन भैया ना मेरे सब्सक्राइबर भी है यार। हाँ भाई, इसके वीडियो में बहुत देखता हूँ बेचारे का, बहुत ही। और मैं आया ना, मैं आया फिर गाड़ी को यहाँ खड़ा किया तो बेचारे से बहुत सारा मेहनत करवा दिया। हाँ, ये तो है, नहीं नहीं नाराज नहीं है। मेरे सब्जियाँ भी खरीदे हमारे गाँव में, सब्जी बेचने आता है तो है ना, गाँव के लोग यहाँ इसकी सब्जी लेते हैं, सब लोग बहुत सस्ता लगाता है बेचारा। क्या भैया आज बड़ा बड़ा बना है? बड़ा बना है, बोबरा बना है, पूरी बना है। खाए हो? हाँ खाए हैं, तो फिर मस्त है, ऑलवेज हैप्पी। दादाई ऐसे मुस्कुराते रहे। दादाई दादी दादी जी को जल्दी हुए, यहाँ जल्दी सब्जी लाने के लिए बोल रही है। दादी बोल रही है हाँ, जल्दी जल्दी दुकान को लगाओ, यहाँ टाइम पास मत करो ऐसा करके। तो भैया दुकान लगा ले रहा हूँ। ठीक है भैया, सब्जी लगा ले रहा हूँ पहले यार। अब देखो नाना जी आ गए हमारे लेने के लिए 5 किलो सीधा टमाटर, सामान ढालने का देरी है। हाँ भाई टमाटर वाले, टमाटर वाले। हाँ ये नाना 5 केजी टमाटर। जय भगवान। ये देखियो भाई साहब, बोहनी हो गया अपना सीधा सीधा, 180 रुपये का बोहनी हुआ भाई, मज़ा आ गया, एक नंबर, जय भगवान। तो भाई साहब फाइनली मैंने तो अपना दुकान लगा लिया है, देख सकते हैं। ये है आलू, करेला, टमाटर, मुनगा, बस दो और तो चार ही आइटम है। वैसे तो आज ज़्यादा सब्जी भी नहीं दिख रहा है, बहुत कम सब्जी है भाई। ये देखो हाँ 20 रुपये जूरी चाचा, 20 रुपये जूरी जा, महंगी कावल लगा है, एकदम सस्ता, एकदम सस्ता, 20 20 20। कत कत आई? अरे 10 नहीं हुआ, 20 घाटा करा देवे का कंपनी ला, 20 रुपये जूरी चाचा। मामा देख रहे हैं भाई मेरे को, ले मामा चिल्ला दे। ये देख सकते हैं भाई साहब, एक नंबर, मजा आ गया। सब बच्चे लोग मेरे को घूर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं ऐसा करके। करेला टमाटर मुनगा आलू, करेला टमाटर मुनगा। हाँ आओ कहा दादा, टमाटर मटर आलू 30, आलू 30, आलू 30। आओ भैया रेंगा रेंगा। बारिश शुरू हो गया, जब जब मार्केट आते हैं तभी तब बारिश शुरू होता है। सैटरडे को मार्केट में बारिश हुआ था, आज भी हो रहा है। क्या लगता है मामा, बारिश रुकेगा कि नहीं? रुकेगा रुकेगा, जरूर रुकेगा, रुकेगा ना, रुकेगा जरूर रुकेगा। तो फाइनली बारिश रुक चुका है और देखो कस्टमर फिर से वापस आ गए हैं। अब लग रहा है कि पूरा सामान बिक जाएगा भाई। वैसे तो आलू मेरा थोड़ा सा ही बचा है और टमाटर भी थोड़ा थोड़ा बचा है, देखते हैं कितना आलू करेला टमाटर जल्दी बेचने हैं, पूरा बेच के जाना है आज। भैया कितना किलो आलू टमाटर, आलू टमाटर केरा वाले, एल भैया। तो भाई साहब फाइनली मार्केट से आ गए घर, जस्ट अभी पहुंचा। और चलो गाड़ी के सामान को कर देते हैं अंदर, कैरेट वगैरह को, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने का बिक्री आज करके आए। तो भाई साहब सब सामान कर लिए अंदर और देख सकते हैं थोड़ा सा करेला बच गया है और थोड़ा सा आलू बचा है और 3 ठू मुनगा और इतना सा टमाटर, और ये भी बिक जा रहा था अगर बारिश नहीं हुआ रहता तो। और देखो नाना तो सोए हैं भाई बेचारे। इतना जो सामान है ना ये भी मतलब पूरा पूरा ख़त्म हो जा रहा था, बचा नहीं रहता कुछ भी, लेकिन बारिश आ गया ना उस वजह से थोड़ा थोड़ा बच गया है। और वैसे तो मार्केट ओवरऑल बहुत बढ़िया था। तो चलो देखो गिन लेते हैं कि कितने रुपए है, देख सकते हैं आज है कितने रुपए का धंधा हुआ है। और इसको आप लोग के सामने जो है मेरा गिन के बताने का और आप लोग को बताने का रीज़न एकमात्र यही है कि आप लोग को भी मेरे से मोटिवेशन मिल सके कि आखिर दिन भर मेहनत करने के बाद
कितना रुपए एक सब्जी वाला सब्जी बेच के कमाता है, और कोई अनदर ऐसा रीज़न नहीं है कि शो ऑफ कर रहा हूँ पैसे का, मैं इतना कमाता हूँ उतना कमाता हूँ करके, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए आप लोग के सामने गिनता हूँ। देखो आज 500 का नोट ज़्यादा मिला, धंधा अच्छा था, फिर 100 का, फिर 50 का, 500, 5000, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, ये 3300 रुपये हो गए जितने का अपन सामान लेके गए थे और पेट्रोल वगैरह सब करके 3300 का बना था, इसको रखते साइड। और इतने रुपए जो है भाई सब अपने प्रॉफिट आज के, तो देखो कितना है, 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 9, 10 और 11, मतलब 410 रुपये, 410 रुपये बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। अच्छा है क्योंकि कल जो है मेरा 500 रुपये का लॉस हुआ था और आज 410 रुपये का प्रॉफिट, तो ऐसा है कि कल का जो मेरा लॉस हुआ था ना वो समझो रिकवर हो गया, क्योंकि अभी करेला बचा है मेरा लगभग 200 रुपये के आसपास का, तो 4 और 2, 600 रुपये का समझो प्रॉफिट हुआ फाइनली। मतलब ऐसा है कि कल का जो लॉस है वो रिकवर हो गया। और एक चीज़ मैं आप लोग से और कहना चाहूँगा कि जैसे कल मेरे को लॉस हुआ था, फिर मैं लॉस हो गया करके आज मार्केट नहीं जाता, छोड़ देता, डर जाता, तो भाई अपना लॉस रिकवर कहाँ से होता। तो मतलब अगर लॉस हो रहा है या ज़िंदगी जैसे भी अप डाउन जो हो रहा है तो उससे हार नहीं मानना है, क्योंकि लाइफ यार अप डाउन होते रहता है, धंधा में भी लाइफ में भी, तो सेम चीज़ है, अपने काम पे लगे रहना, फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो मैं दिखाता हूँ ना अपना जो रियल लाइफ जो है वो आप लोग को, तो आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो पैसे की कीमत है वो क्या होती है, 10 रुपए को भी कमाने के लिए कितना मेहनत लगता है। बस और कोई रीज़न नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को जो स्ट्रगल हार्ड वर्किंग जो लाइफ है उसको दिखा रहा हूँ आप लोगों से, कि सिंपथी बटोरना कि भाई देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे प्यार दो, सपोर्ट करो, ऐसा वैसा कोई मेरा मतलब नहीं है। मेन मेरा जो मकसद है वो ये है कि लोग जो है मोटिवेट हो सके। तो ठीक है गाइस, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।